गाइज मेरा नाम तस्खीर है। इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स ऑफ PSL 2023। PSL 8 के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर्स के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। PSL जो दुनिया की टॉप लीग्स में शामिल होती है, वैसे PSL की ड्राफ्टिंग में तीन कैटेगरीज शामिल होती हैं, जिनमें प्लैटिनियम कैटेगरी, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी। प्लैटिनियम कैटेगरी में सबसे महंगे प्लेयर्स शामिल होते हैं। तो आइए देखते हैं इस साल PSL के टॉप प्लेयर्स को कितने पैसे दिए जाएंगे PSL खेलने के लिए। मोहम्मद रिजवान, T20 क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम के ओपनिंग बैट्समैन, जो मौजूदा T20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। रिजवान शुरू के ओवर्स में किसी भी बॉलर की धुलाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, इसीलिए इसे मुल्तान सुल्तान की टीम ने इन्हें प्लैटिनियम कैटेगरी में रखा है। रिजवान को 3 से 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। रिजवान को मुल्तान सुल्तान की बैकबोन भी समझा जाता है। इमरान ताहिर, जिन्हें इंसानी रूप में प्लेन भी कहा जाता है, क्योंकि इमरान ताहिर विकेट लेने के बाद जब दौड़ते हैं तो इन्हें रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होती। ये भी साउथ अफ्रीकन टीम से खेलने वाले ताहिर की स्पिन बॉलिंग से पूरी दुनिया वाकिफ है, जो अच्छे से अच्छे बैट्समैन को भी डिस्टर्ब करने की सलाहियत रखता है। इसीलिए कराची किंग्स ने इन्हें प्लैटिनियम कैटेगरी में रखते हुए 4 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया है। 4 करोड़। अगले नंबर पर आते हैं शाहीन शाफिदी। बड़ा नाम है। चीते जैसी दौड़, बाज जैसी नजर और लगभग 150 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से बॉलिंग स्पीड। शाहीन शाफिदी PSL के टॉप प्लेयर्स में शामिल होते हैं। इसे लाहौर कलंदर्स ने अपनी पहली ही आवाज में प्लैटिनियम कैटेगरी में रखते हुए 3.5 करोड़ रुपयों में खरीदा है। पावर प्ले में किसी भी टीम की बुनियाद को हिलाना शाहीन अफरीदी का जुनून है। फखर जमान, इनकी खास बात यह है कि इसके सामने दुनिया का कोई भी फास्ट बॉलर हो, ये इसे धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। बढ़िया बैट्समैन है। इसीलिए तो लाहौर कलंदर्स ने इसे प्लैटिनियम कैटेगरी में रखा है और इसे लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए की सैलरी दी जाएगी। T20 में फखर जमान की स्ट्राइक रेट 135 के करीब है। और आपको क्या लगता है कि फखर जमान इस PSL में अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर नहीं? शादाब खान, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक अहम पिलर है, ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ही अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। शादाब को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिलेक्ट करते हुए प्लैटिनियम कैटेगरी में रखा है, जिसे 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सैलरी दी जाएगी। शादाब प्लैटिनियम कैटेगरी को डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि इसने बहुत से मैचेस जितवाने में अहम किरदार भी अदा किया है। बाबर आजम, पाकिस्तानी टीम के तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन बाबर आजम के लिए इस PSL सीजन में थोड़ा सा चेंज आया है, क्योंकि अब बाबर आजम कराची किंग्स की तरफ से नहीं खेलेंगे, बल्कि पिशावर जलमी ने इन्हें प्लैटिनियम कैटेगरी में रखते हुए 3.5 करोड़ रुपए में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया है। जलमी ने ले लिया। बाबर आजम वो रन मशीन है जो ना तो रुकती है और ना ही बंद होती है। ये T20 रैंकिंग में 4th नंबर पर मौजूद है। रहमानुल्लाह गुरबाज, ये 21 साल नौजवान अफगानिस्तान की टीम से खेलते हुए अपनी बैटिंग स्किल से पूरी दुनिया को हैरान कर चुका है। याद रहे, अफगानिस्तान वो टीम है जो बहुत ही कम अरसे में दुनिया की नजरों के सामने आ गई। रहमानुल्लाह की T20 में स्ट्राइक रेट 140 की है, जो किसी भी बॉलर के लिए लोहे का चना साबित होता है। इस चीज को देखते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसे प्लैटिनियम कैटेगरी में रखते हुए 4 करोड़ रुपए की सैलरी दी है। उम्मीद है कि इस PSL में ये अपने फैंस को अपनी बैटिंग के जोर दिखाएंगे। पाकिस्तानी रुपीस है ना, 4 करोड़। मैथ्यू वेड, ऑस्ट्रेलियन टीम से खेलते हुए ये मायानाज खिलाड़ी मिडल ऑर्डर में अपनी बैटिंग के जोर दिखाता है। इस विकेटकीपर बैट्समैन को कराची किंग ने प्लैटिनियम कैटेगरी में रखते हुए 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सैलरी में अपनी टीम में शामिल किया है। इसकी खास बात यह है कि ये अपनी अनबिलीवेबल शॉट से हारा हुआ मैच भी जितवाने की ताकत रखता है। उल्टे सीधे शॉट्स। राशिद खान, जो T20 की बॉलिंग रैंकिंग में 2 नंबर पर मौजूद हैं, इन्हें लाहौर कलंदर ने पहली ही कॉल में प्लैटिनियम कैटेगरी में रखते हुए 4 करोड़ रुपयों में सिलेक्ट किया है। इसकी खास बात यह है कि ये अपनी लेग ब्रेक बॉलिंग से किसी भी बैट्समैन को आउट करने की सलाहियत रखता है। ये अफगान प्लेयर बॉलिंग के साथ साथ बड़े बड़े शॉट्स लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। ये किसी भी टीम के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो सकता है। अलेक्स हेल्स, 34 साला हेल्स इंग्लैंड की कौमी टीम का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। इसकी T20 में स्ट्राइक रेट ही 145 को टच करती है। इसका T20 में बेस्ट स्कोर 116 नॉट आउट का है।
यह किसी भी बॉलर को चंद ही बॉलों में इसकी नानी याद करवा सकता है। इसलिए पहले ही की तरह इस बार भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसे प्लैटिनियम कैटेगरी में 4.5 करोड़ रुपए की सैलरी में सिलेक्ट किया है। अब देखना ये होगा कि एलेक्स हेल्स इस पीएसएल में कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। विदेशियों को हैदर अली अटोक से ताल्लुक रखने वाला हैदर पाकिस्तान की कौमी टीम का हिस्सा है। वैसे तो हैदर अली का 2022 का T20 वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं गुजरा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हैदर अली को इतना इजी लें। ये नौजवान प्लेयर अपनी हार्ड हिटिंग से अकेला अपनी टीम को जितवाने की सलाहियत रखता है, इसीलिए कराची किंग्स ने इसे प्लैटिनियम कैटेगरी में रखा है, जिसे 4 करोड़ रुपए की सैलरी दी जाएगी। डेविड मिलर, ये लेफ्ट हैंडेड साउथ अफ्रीकन बैट्समैन मिडल ऑर्डर में सिर्फ चंद ही बॉलों में पूरे मैच का पांसा पलटने की पावर रखता है, जिसकी T20 में स्ट्राइक रेट 140 के करीब है। मुल्तान सुल्तान ने इसे प्लैटिनियम कैटेगरी में शामिल किया है, जिसे 3.5 करोड़ रुपए की सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वैसे आपके ख्याल में वो कौन सा प्लेयर है जिसे प्लैटिनियम कैटेगरी में होना चाहिए? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर सारी प्लैटिनम जो टॉप की जो सैलरी देते हैं उन प्लेयर्स की लिस्ट थी टॉप 10 में, और ये बड़े नाम थे, बाबर आजम, रिजवान, मिलर और ये वेड, विदेशी लोग। मुझे लगता है विदेशी लोगों को ज़्यादा पैसा मिला है, 4 से 5 करोड़ के बीच का इनका वो टारगेट था, 3 से 3.5 करोड़ तक का, 3 से 5 करोड़ प्लैटिनम में आता है। मुझे लगता था यार और ऊपर जाता होगा प्लैटिनम वाला सीन जो हैगा, 7-8-10 करोड़ जाता होगा। हालांकि पैसा कम दिया जाता है, मुझे भी पता है पाकिस्तान में आईपीएल से कम दिया जाता है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि 7-8 करोड़ तक शायद जाए, लेकिन नहीं, जो भी है इतना पैसा भी मिल रहा है। तो प्लैटिनम कैटेगरी में वो टॉप के प्लेयर्स हैं ये जो परफॉर्म करते हैं एंड ज़बरदस्त। लोकल में भी बड़े नाम शाहीन, शादाब प्लैटिनम में, और बाबर जैसे नाम, रिजवान जैसे नाम, तो ये टॉप के प्लेयर्स हैं जो नेशनल टीम में भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन हैदर अली इसमें प्लैटिनम में है, लेकिन हैदर अली आजकल कुछ नहीं कर रहे हैं, पिछले सीज़न में भी कुछ नहीं किया था, और बहुत कुछ उनको सुनने को भी मिल रहा है, कोई गड़बड़ कर दी थी उन्होंने एक मैच में, विंस को आउट करवा दिया था रन आउट। पाकिस्तान के हिसाब से सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट थी एंड इतना पैसा तो लिया ही लिया है, बाकी और भी कमाइयाँ होती हैं। मैंने बिजनेस मॉडल समझा है पाकिस्तान लीग का। गोल्ड और सिल्वर की लिस्ट नहीं थी इसमें, वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता है पीएसएल स्टार्ट होने के बाद कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो इसमें जगह बना पाएंगे, शायद अगले साल बना पाएँ, उनको प्लेटिनम में देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ से टैलेंट निकलता है। एक आज़म खान जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं पीएसएल स्टार्ट होने के बाद, बहुत नाम हो रहा है उनका, और एक दो खिलाड़ी और हैं जो नज़र में आने वाले हैं। इमाद वसीम फिर से उनका मतलब एक जो फॉर्म है वो वापस आई है, तो कई खिलाड़ी अभी और देखने को मिलेंगे। क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।